दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं आपसे मधेसी पार्टी के जो नेतृत्व करता है, इन लोगों के बीच में कैसे खींचातानी और कितनी खींचातानी चल रही है। और दो पार्टी है मुख्य रूप से, तीसरी पार्टी भी महान ठाकुर जी की पार्टी है। पहला पार्टी अगर माने तो उपेंद्र जी की पार्टी है जसपा, दूसरी पार्टी सी के राउत जी की है जनमत। और ये अभी देखा जाता है कि जनमत और उपेंद्र जी की पार्टी जसपा में बहुत बड़ा एक दूसरे को दुश्मन ही मानते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। कल नेपाल की संसद से बजट पास करना था और इस बजट में करीब करीब अंतिम दिन तक मधेस की सभी पार्टी कह रहे थे कि बजट के विरुद्ध में मतदान करेंगे, यानी कि बजट को पास नहीं होने देंगे और ये मधेस विरोधी बजट है। तो अचानक क्या हो गया कि एकाएक उपेंद्र यादव बदल गए और उनकी पार्टी जसपा वह सरकार के पक्ष में मतदान दे दिया। हालांकि यह उनकी पार्टी का अगर पिछला हिस्ट्री देखा जाए तो पहले से उनकी नीति इसी प्रकार रही है। मैं बात कर रहा हूं आज ही जो पूस, यहाँ एक आज आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जो पूस 10 गत्ते से सरकार को निरंतर समर्थन दे रही थी जनमत पार्टी, वह अब समर्थन वापस करने पर विचार कर रही है। और कल की स्थिति ऐसी हुई जो जनमत पार्टी तटस्थ बैठ गई और बजट के पक्ष में मतदान नहीं किया। लेकिन आखिर जनता समाजवादी पार्टी जो उपेंद्र यादव जी की पार्टी है वह पक्ष में मतदान किया। इसका मुख्य कारण क्या था, आखिर क्या समझौता हुई कि इनकी संसदीय दल की बैठक जो थी उस बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड स्वयं पहुंच गए और स्वयं पहुंच कर संसदीय दल में उपेंद्र यादव जी से और सांसदों से आग्रह किया कि वो बजट को पास होने दें। हो सकता है कि इनकी अंदरूनी कुछ बातचीत हुई होगी और उपेंद्र यादव जी बदल गए और जनता के ये बजट का जो था सेशन वो बजट में इसके पक्ष में मतदान दिए, बजट पास हो गया। अब आइए, वहीं पर देखा जा रहा है कि जनमत पार्टी तटस्थ बैठ गई और जनमत पार्टी आपको शुरू से एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं जनमत और जसपा में। मैं आपको कुछ उदाहरण अभी इनकी बात अगर करता हूँ तो बात उठती है जो उपेंद्र यादव चुनाव हार गए अपने क्षेत्र से राजबिराज से, फिर उन्होंने उपचुनाव में 12-2 से अपना मतदान किया और देखिए वहाँ से इन दोनों में किस तरह की खींचातानी चली है। उसी में मधेस में थप आंतरिक द्वंद और इतना गाली ग्लौज एक दूसरे के प्रति हुआ जो दोनों दुश्मन की तरह आगे आ गए। और यह बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है कि दोनों लोकतांत्रिक चरित्र का प्रदर्शन उसमें किए। जहाँ तक 12-2 के उपचुनाव में जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव की जीत की बात है तो वह डॉक्टर सी के राउत के सप्तरी में एक्सीडेंटल जीत जो हुआ बस उसी से मिलता जुलता है। ग्राउंड रियलिटी यह कह रहा है कि जीत में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर राउत का उपेंद्र जी के लिए फिरंगी बहरिया और जंगल राज जैसे शब्दों का प्रयोग करना था।
चूंकि जनमत पार्टी और सी के राउत जी वहाँ पर इस तरह आक्रामक गए उपेंद्र यादव के प्रति कि वहाँ के जो बारह दुख की जनता थी उसमें खास करके जातीय जनता को यूनाइट होने का अवसर इन्होंने प्रदान कर दिया। और उससे क्या हुआ कि जितना इनका जातीय वोट था सभी उपेंद्र यादव को मिल गया, हालांकि गैर जाति गैर यादव वोट भी एकत्रित हुआ और वो भी गया, लेकिन राउत साहब की पार्टी नहीं जीत पाई। तो कहा जाता है कि और वहीं पर प्रचंड साहब भी उपेंद्र जी को ही मदद कर दिए, उनको पहले ही यह समझौता हो चुका था और उस समझौता के अनुसार उपेंद्र यादव जीत कर आ गए। लेकिन उपेंद्र यादव तो जीत गए, उस जीत से वहाँ की जनता खुश नहीं है। अगर उस चुनाव की बात करें तो वह देखा गया है कि उपेंद्र जी के कार्यकर्ता भी ये चाह रहे थे कि उपेंद्र जी नहीं जीते और वो चुपचाप विपक्ष में प्रचार कर रहे थे। और ठीक यही चीज इनका सी के राउत जी के पार्टी में भी था, दोनों एक दूसरे, लेकिन इसमें उपेंद्र जी जीत गए। अब सवाल यह है कि दोनों एक सीट जीते थे राउत साहब, वो भी आ गए ऊपर और उपेंद्र जी भी जीत कर आए हैं, ये दोनों मधेश मुद्दा से अलग हो गए हैं और केवल अपना आगामी रणनीति कैसे बनाया जाए उसके प्रति ज़्यादा इनका झुकाव दिख रहा है। अब उपेंद्र जी बहुत ही परिपक्व नेता है, लेकिन इनकी परिपक्वता वहाँ नहीं दिखा पा रही है कि ये जनमत से चाहे और पार्टी से कैसे मिले। वहाँ पर एक मानना पड़ेगा महंत ठाकुर जी की भद्रता, जो वो अब चुपचाप मौन रूप से ही सत्ता के गलियारे में चले गए हैं और वो इनके उपेंद्र यादव के प्रति भी मौन है और सरकार के प्रति भी मौन है। उनका एक मंत्री यहाँ भी बन गया है और वहाँ मध्य प्रदेश में भी बन गया है, लेकिन ये लोग जो रातों रात उभरे थे मधेश का मुद्दा लेकर, ये मधेश का मुद्दा अब गौण दिखाई देता है। उपेंद्र यादव का पहले से था कि वो किस तरह या तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने, इसलिए उनका जितना भी परिपक्व क्यों न हो, लेकिन वो परिपक्वता दिखा नहीं पाए। इनकी हमेशा से ये सत्ता के करीब जाने के की चाहना थी और वो चाहे ओली साहब हो, चाहे प्रचंड जी हो, चाहे देवपा साहब हो, और ये वही चाहे हैं जो किस तरह हम सत्ता में रहें और उपेंद्र जी कैसे आगे बढ़ पाए। हालांकि जीत कर आए हैं ये वहाँ से, लेकिन इनको वो सफलता नहीं मिल पाई है। इनका जो था कि हम उप प्रधानमंत्री बने वो नहीं बन पाए हैं, तो अब ये चुपचाप पीछे हट गए हैं और इनके अपना तीन मंत्री अभी केंद्र में शामिल है, बस उतना ही इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूम रही है। लेकिन जबकि इन पर अगर देखा जाए तो मधेश में पिछली बार 5 साल इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 5 साल में ये कोई नया ऐसा चीज इनकी पार्टी जनमत पार्टी नहीं दे पाया है जो कि मधेश की जनता इस पर विश्वास कर पाए। और वो यह मधेसी जनता की बाध्यता है कि वो मधेस को छोड़ के दूसरे में नहीं जाना चाहती है और उसी बाध्यता बस उपेंद्र यादव की पार्टी इस बार भी जीती है और किसी तरह सत्ता के टिक्रम में जोड़ घटाव गणितीय जोड़ घटाव में ये सफल हुए हैं और उस सफल में इनको मुख्यमंत्री पद मिला हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर जो समझौता किए हैं उस समझौता में आलो पालो, जो नेपाली में कहते हैं, जो एक बार इनके मुख्यमंत्री रहेंगे फिर दूसरी बार बदलेंगे, उसी लालच में डॉक्टर सी के राउत भी वहाँ पर पड़े हुए हैं कि बाद में कहीं उनके पार्टी के मुख्यमंत्री की चाहना हो जाएगी। हालांकि सी के राउत जी ने अब केंद्र में अपना प्रतिनिधि वापस कर लिया है, अब हो सकता है कि ये प्रचंड के खिलाफ अपना
मतदान करेंगे आगे, और दूसरी बात जो ये सरकार से अपना समर्थन भी फिरता लेंगे, लेकिन मध्य सरकार के प्रति इनकी और कुछ नहीं दिखाई देती है जो ये क्या करेंगे। चूंकि मैच्योरिटी में थोड़ा सा कमी जरूर इन दिख रहा है इनमें, हाँ इनका हमेशा एक जो गाली ग्लौज वाला आक्रामक प्रहार रहा है उपेंद्र यादव के प्रति, वह अभी भी कायम है, थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अब अपना संगठन देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जितना उपेंद्र यादव को गाली देंगे, जितना उपेंद्र यादव की पार्टी पर प्रहार करेंगे, उतना ही वो मधेश में इनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। और अभी जो देखा जा रहा है वह यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर सी के राउत अपना संगठन बनाने में अब लग गए हैं, उनका आगामी चुनाव पर ध्यान है। मित्रों, अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर जो नई पार्टी आती है या जो पुरानी पार्टी है, सब केवल सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमने का अपना नीति बना रहे हैं, लेकिन ऐसी में मधेश की जो ओरिजिनलिटी है वो समाप्त हो रही है। एक और जहाँ ये दोनों झगड़ रहे हैं अपने में, सीके राउत और ये उपेंद्र यादव, वहीं तीसरी पार्टी को फायदा हो रही है। अब जैसे नेपाली कांग्रेस तो निश्चित रूप से इस बार फायदा में जा रही है और आगे भी फायदा में होगा। अब देखना यह है, अब जैसे जनमत पार्टी का आक्रामक जो संगठन की ओर जा रहा है बनाने की ओर, वह देखा गया है। हाँ, भविष्य में उपेंद्र यादव की पार्टी जरूर कमजोर होगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा गया है बीरगंज में। पिछले दिनों बीरगंज में बहुत बड़ा जत्था इनके जनमत पार्टी में शामिल हुई है, और वह देखकर लग रहा है, और सभी जत्था मधेसी जत्था है, और जो कि उपेंद्र यादव लीड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनका नेतृत्व और उनके पार्टी के जो नेतागण हैं वो असफल हो गए हैं, और जितने असंतुष्ट थे इनके पार्टी के और पार्टी का भी, वो सभी जनमत पार्टी में आ गए हैं, जिसके कारण जनमत पार्टी थोड़ा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ पा रही है जो कि ये केंद्र में अपना सरकार बना पाए या मधेश में ही अपना सरकार बना पाए। लेकिन इस दोनों के बीच में, दोनों का जो झड़प हो रहा है, उसमें मधेसी जनता परेशान है। मधेसी जनता को कुछ दिख नहीं रहा है, और वह इसी तलाश में है कि जैसे ही एक नया नेतृत्व जिस पर कि मधेश को विश्वास हो जाए, तो अगर दिखाई दिया तो वह तुरंत नया नेतृत्व को पकड़ेगा, और मधेश में वह आंदोलन एक जरूर विस्फोट होगा जो कि मधेसी मुद्दा को लेकर आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैंने आज इतना आपके समक्ष रखा, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और हाँ, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।